अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे ढेर सारा, और सर्दियाँ बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे होंगे इंशाल्लाह। और आज मैं एक मज़ेदार सा एक पराठा रोल लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए स्पेशल। ये उन माओं के लिए हैं जो फटाफट चाहती हैं बच्चों को कुछ दे दिया जाए जब बच्चों को भूख लगे और बच्चों को पसंद भी आए। लंच बॉक्स में भी काम आ सकता है ये एक पराठा रोल, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। चलें जी शुरू करते हैं फिर ये 5 मिनट वाली रेसिपी। जो जो आपके घर में मौजूद सब्जियां हो आप वो सब यूज़ करें। सब्जियां तो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो जो भी हो मेरे पास सिस्टम जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने ऑनियन ले लिया, इसको स्लाइस में काट लिया था, और ये थोड़ा सा टमाटर लिए, मैंने ऐसे टमाटर को ऐसे स्लाइस में काट लिया था। अगर खाली टमाटर प्याज भी है तो वो भी चलेगा। ये थोड़ी सी शिमला मिर्च और थोड़ी सी बंद गोभी, और उसके ऊपर थोड़ा सा नींबू का रस, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ये देखें बीच मैंने निकाल लिए, नींबू का रस ऐड करती है मैंने। यहाँ पर थोड़े से 1 टीस्पून के करीब चिली फ्लेक्स। अगर बड़ों ने खाना है, बड़े भी बिल्कुल खा सकते हैं, तो चिली फ्लेक्स ज़्यादा बढ़ा दें या रेड चिली पाउडर डाल दें जो आपका दिल करे। और सॉल्ट डाल लेते हैं, और बस थोड़ा सा चाट मसाला, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे, इससे थोड़ा सा टेस्ट ज़रा चटपटा सा हो जाएगा। अगर आपके बच्चे शौक से नहीं खाते चाट मसाला तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप डालें, बट अगर खाते हैं तो प्लीज़ ये डाल के देखें कितना मज़ेदार सा बनेगा। बिल्कुल थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही, क्योंकि ये मेरे बच्चों ने भी खाना है और मेरे बच्चे बहुत कम ऐसी बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खा सकते, बहुत ज़्यादा चटपटा सा नहीं खा सकते। ठीक है जी, ये हो गया इसका सब मटेरियल तैयार जो हमने इसकी फिलिंग करनी है पराठे की। ठीक है, सिंपल सा आटा है, मेरे घर में जो गूंदा मैं वो यूज़ करूँगी, कोई स्पेशल नहीं गूंद रही, कोई मैदा नहीं यूज़ कर रही, उसमें कोई एग नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल जो भी आपने घर में आटा गूंदा हो फटाफट उसको निकालें फ्रिज से और ये फिलिंग तैयार कर लें। और ये इसकी फिलिंग रेडी हो गई है, ये मैं एक साइड पर कर लेती हूँ। और यहाँ मैंने ले ली है 2 दर्जन एग। ठीक है, अब इनको पहले तोड़ लेंगे। ये देखें जी, ये दोनों 2 दर्जन एग थे जो मैंने तोड़ लिए हैं। इसके बाद इसमें डालूंगी मैं थोड़ी सी रेड चिली, थोड़ा सा ही सॉल्ट। ये देखिए ये डालिए, और अब हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे। सिंपल, इसमें कुछ और नहीं डाला, सिर्फ नमक मिर्च जो घर में रेगुलर यूज होती हैं चीज़ें, ये वही चीज़ें हैं। और ये देखिए जी, मैंने छोटा सा एक छोटा, बहुत छोटा नहीं, दरमियाने साइज़ का, सॉरी, एक दरमियाने साइज़ का मैंने पेड़ा लिया, अभी इसको पेड़ा बना रही हूँ। इसमें थोड़ा सा पहले डालूँगी मैं घी, मैंने लिया है जी घी, थोड़ा सा, सिंपल आटा है फ्रिज का मैंने जैसे कि पहले बताया था। और ये ऐसे इसमें घी लगाकर थोड़ा सा ड्राई आटा डाल देंगे, उसके बाद इसको अच्छे से बंद कर देंगे। ठीक है, ये देखिए जी, ये पेड़ा बिल्कुल सेट बन के तैयार है। अब हम इसको बेल लेंगे, और सिंपल सर ऐसे डेली हम औरतें घरों में बनाती हैं वही पराठा है जो बन के रेडी होगा। और ये देखें जी, ये नॉर्मली पराठा जैसे बनता है वैसे ही बना रही हूँ मैं। और यहाँ मैं डाल रही हूँ बिल्कुल एक के मकदार में ये एग डाल दी, फौरन से इसके पराठा डाल दिया, अच्छा सा मिक्स कर दिया। ठीक है,
ये देखें जी पराठा हमारा बिल्कुल बनके है तैयार। अब हम इसको फिल कर लेंगे, जो फिलिंग मैंने रखी थी साइड पर, ये बनाकर। आपकी मदद से, फॉक की मदद से, जिस तरह से मेरे हाथ धुले हुए ऑलरेडी, क्योंकि पराठा बनाया उससे पहले धो चुकी थी, तो ये डाल रही हूँ जी फिलिंग सारी। बहुत ज़्यादा भी नहीं इसको लोडेड कर देना कि भाई आराम से रोल ही ना हो सके। अब यहाँ इसको आहिस्ता से इसे बेंड कर देंगे। सिंपल। अब मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखें जी बन के तैयार है हमारा मज़ेदार एग पराठा रोल। ये देखें अंदर से और फुल तैयार है। इसको गरम गरम खाएं, केचप के साथ खाएं, जो आपके पास है, मायनीज है, कुछ भी है उसके साथ खाएं और इन्जॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।